इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सभी लोग अपने ब्लॉग वेबसाइट को इजोइक के साथ मोनेटाइज कर सकते हो। अब इजोइक वन ऑफ द बेस्ट गूगल एडसेंस का अल्टरनेटिव है, जिससे कि आप अपनी वेबसाइट की अर्निंग को 2 गुना 3 गुना तक जो है इंक्रीज कर सकते हो। जहां पर आप सभी लोग को 1000 व्यूज पर $2-4 मिल रहे, वहीं पर अगर आप इजोइक का यूज करोगे तो उससे काफी ज्यादा रेवेन्यू आपको इजोइक जनरेट करके देगा। सबसे बढ़िया बात यह है कि अभी इजोइक ने जो है एक नया फीचर लॉन्च किया है, जिसमें कि अगर आपकी साइट पर 10,000 से कम ट्रैफिक है फिर भी आपको इजोइक का मिल जाएगा। अब अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस में अप्रूव है तो भी आप इजोइक का यूज कर सकते हो, एंड अगर आपकी वेबसाइट एडसेंस में अप्रूव नहीं है फिर भी आप इजोइक का यूज करके अर्निंग कर सकते हो। अगर आप भी अपनी वेबसाइट के रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाहते हो या फिर आपके पास एडसेंस का अप्रूवल नहीं है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप फास्ट से फास्ट इजोइक का अप्रूवल लेकर अपनी साइट पर अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस टाइम टू टाइम इस चैनल पर मैं शेयर करता रहता हूं। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फाइनली मैं आ चुका हूं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अब इजोइक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्टली क्लिक करके आप जो है इजोइक की वेबसाइट पर विजिट कर जाओगे। अब यहां पर जैसे ही आओगे आपको सबसे पहले स्टार्ट नाउ के सेक्शन पर क्लिक करना है। अब इन्होंने यहां पर क्या है कि इजोइक एक्सेस नाउ का एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें अगर आपकी साइट पर 10,000 से कम पेज व्यू है, अब वो कम पेज व्यू कितने भी हो सकते हैं, चाहे आपकी साइट पर 100 पेज व्यू आ रहा है, 200 आ रहा है या फिर इससे कम आ रहा है, मतलब अगर कोई भी पेज व्यू की लिमिट नहीं है, मतलब बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, फिर भी आप इजोइक को यूज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपकी साइट पर हल्का फुल्का ट्रैफिक आ रहा है तभी आप इजोइक को ज्वाइन करो, क्योंकि विदाउट ट्रैफिक आपको यहाँ पर कोई अर्निंग नहीं होगी। अब सबसे पहले बहुत सारे लोगों को इजोइक से लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है, वो चीज में मतलब काफी इजी वे में जो है सोल्व करता हूँ। अब देखो इजोइक एक एड नेटवर्क तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट यानी कि AI पर वर्क करता है, यानी कि आपकी वेबसाइट को एनालाइज करेगा, आपका जो ट्रैफिक है उसको एनालाइज करेगा एंड देखेगा कहाँ कहाँ पर आपको जो है एड्स लगाने चाहिए जिससे ज्यादा क्लिक्स आए एंड ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करे। अब बेसिकली इजोइक में क्या होता है कि अगर आपके पास एडसेंस का अप्रूवल है, एक एडसेंस अकाउंट है जिसमें आपकी साइट अप्रूव है, तो फिर आप इजोइक और एडसेंस दोनों के एड्स अपनी साइट पर लगा सकते हो। इससे क्या होगा, इजोइक में भी आपका रेवेन्यू बनेगा एंड एडसेंस में भी आपका रेवेन्यू बनेगा, एंड एडसेंस के एड्स होंगे वो भी काफी बेटर तरीके से ये प्लेस करेगा, जिससे आपकी एडसेंस की अर्निंग भी बढ़ेगी एंड इजोइक में भी अर्निंग, मतलब एक ही ट्रैफिक में आपको 2 अर्निंग्स होगी। लेकिन अगर आपके पास एडसेंस का अप्रूवल नहीं है तो आप डायरेक्टली सिर्फ इजोइक के एड्स भी यहां पर लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यहां पर जो है अपने गूगल एड मैनेजर का अकाउंट का यहां पर जो है मतलब प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो दोनों तरीके हैं, अगर अप्रूवल है फिर तो आपके पास मतलब काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अर्निंग करने की, नहीं है फिर भी आप इजोइक के एड्स लगा सकते हो। सो सबसे पहले गेट स्टार्ट के सेक्शन पर क्लिक कर देना। तो अगर आपको नहीं पता है कि आपकी वेबसाइट पर कितने पेज व्यू आ रहा है, कितना ट्रैफिक आ रहा है, तो आप गूगल एनालिटिक्स में जाकर चेक कर सकते हो कि मंथली कितना आपको जो है ट्रैफिक आ रहा है। तो बेसिकली बात आती है कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम है क्या। तो देखो अगर आपकी साइट पर 10,000 से कम ट्रैफिक है तो ये आपका बेसिक जो है एक टेस्ट लेंगे, ये टेस्ट काफी बेसिक टेस्ट रहेगा। तो क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों का जो है साइट पर ट्रैफिक 10,000 से कम होगा, तो हम जो है एक्सेस नाउ प्रोग्राम के साथ चलते हैं, क्योंकि जो एक्सेस नाउ प्रोग्राम है उसमें वो टेस्ट है। टेस्ट देने के बाद ये वाला जो है इसका सेम प्रोसेस रहेगा, मतलब जो इसमें प्रोसेस होगा वैसे ही इसमें होगा, बस हमें वो टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद अब आप सभी लोग को अपनी वेबसाइट को यहाँ पर ऐड करना है। तो जो भी आपका वेबसाइट का डोमेन का नेम है वो डोमेन नेम आप यहाँ पर ऐड करो। तो मैं बेसिकली इस वाली साइट को ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि इस साइट पर एडसेंस का अप्रूवल भी है, नहीं है तो भी चलेगा, आगे सारे ऑप्शंस मिलेंगे। सो इस डोमेन को मैं यहाँ से डायरेक्टली कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर अगर हम डोमेन नेम डाल देते हैं, इसके बाद हमें यहाँ पर HTTPS वगैरह हटा देना है। आई एग्री पर क्लिक करो एंड कंटिन्यू के सेक्शन पर क्लिक करो। अब ये जो साइट है इस साइट पर ट्रैफिक बिल्कुल मतलब कम है 10,000 से, इसलिए मैं इस साइट को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। अब इजोइक आपसे पूछेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, मतलब इस साइट पर आप एड रेवेन्यू बढ़ाना चाहते हो, साइट की स्पीड एनालिटिक्स क्या क्या चीज़ें करना चाहते हो। तो हम यहाँ पर एड रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हम एड रेवेन्यू सेट करेंगे, बाकी आप एनालिटिक्स साइट स्पीड सब कुछ कर सकते हो, तो ये आपको बता देंगे आपको कैसे कैसे क्या करना है। यहाँ पर देख सकते हो हमारा इजोइक का अकाउंट रेडी हो चुका है। अब गेट स्टार्ट के सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें हमारे अकाउंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, लाइक नेम वगैरह एंड अकाउंट का पासवर्ड। तो यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट की बेसिक डिटेल्स को फिल कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हो वेलकम टू एक्सेस नाउ का सेक्शन हमारे सामने आ चुका है। ये जो एक्सेस नाउ का कोर्स है काफी ज्यादा सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है, आप इजिली जो है इस सर्वे को पास कर जाओगे। जैसे बेसिक जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको अपनी ईमेल आईडी वगैरह, डोमेन, URL,
कहाँ से इजोइक का पता चला, उसके बाद पहले से मतलब कितने ज़्यादा लॉन्ग पब्लिशर हो आप, वो चीज़ें क्या क्या फीचर्स आप यूज़ करना चाहते हो, उसके बाद कुछ बेसिक से आपको जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उनके आंसर करना है। तो चलिए इसको हम फील करते हैं नेक्स्ट कर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारी बेसिक डिटेल्स को मैंने फॉलो मतलब जो है फील कर दिया है, कहाँ से मुझे इजोइक का पता चला वगैरह वगैरह। आप भी ये जो है अपने अकॉर्डिंग फील कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एंड इस फॉर्म को आपको जस्ट सबमिट कर देना है एंड उसके बाद नेक्स्ट करना है। ये काम करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बेसिक आपको जो है वो सारी चीज़ें करनी है, जैसे कि अपनी साइट को आपको जो है कनेक्ट करना है, इंटीग्रेट करना है, बाद अपने आपको एड्स को जो है सेटअप करना है, और उसके बाद फाइनली आपको जो है फाइनलाइज का सेक्शन मिलेगा जिसमें जो है आपका अकाउंट वगैरह चेकअप होगा एंड फिर आपको जो है मेल आएगा, उससे आपको पता चल जाएगा इजोइक का अप्रूवल मिला है फिर नहीं मिला। अब जो स्टेप आएगी उसमें आपको जो है अपने नेम सर्वर्स को अपडेट करना पड़ेगा। अब बेसिकली यहां पर आपको जो है नेम सर्वर सेलेक्ट का सेक्शन मिलेगा या इंटीग्रेशन वाला सेक्शन है, तो इसमें जैसे ही जाओगे ये आपको करंटली बता देगा करंटली आपके नेम सर्वर कौन से, तो वहां पर आपको क्या करना है कि अपने नेम सर्वर को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे ही आप अपडेट करोगे उसके बाद इंटीग्रेट कंप्लीट के सेक्शन पर क्लिक करना है। बेसिकली अभी मैं इंटीग्रेट मतलब जो है नेम सर्वर चेंज करूंगा तो उसमें क्या है कि प्रोसेस थोड़ा अपडेट होने में टाइम लगता है, तो फोर वैसे भी मेरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको अलग वैसे समझाऊंगा। तो ये कैसे चेंज करना है ये सारा एंट्री मतलब जो है इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे रीड हाउ टू डू दिस, तो इसमें आपको ये सारा बता देंगे कैसे आपको अपने नेम सर्वर्स को अपडेट करना है, काफ़ी सिंपल स्टेप्स है। तो ये काम करने के बाद क्योंकि अभी आगे के प्रोसेस खुलेंगे नहीं, तो मैं आपको अपना जो अप्रूव्ड अकाउंट है उसमें बताता हूँ कि आगे क्या क्या प्रोसेस आपको देखने को मिलेंगे एंड फिर आपको उनको कैसे जो है सोल्व करना है। तो यहाँ पर देख लो ये हमारी टेक बॉयज .in वाली साइट यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड है। तो सबसे पहले अकाउंट सेटअप वाला था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, जिसमें नेम पासवर्ड वगैरह वो सब डालना है। उसके बाद इंटीग्रेट करना है जिसमें कि आप जो है नेम सर्वर के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हो। उसके बाद जो तीसरी स्टेप्स आएगी जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इंटीग्रेट हो जाएगी, उसके बाद आपको अपना गूगल अकाउंट के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, add.txt फाइल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो है इजोइक के प्लगइन के थ्रू प्लेस होल्डर मतलब जो है जनरेट करने है, एड यूनिट जनरेट करना है एंड फिर आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो वही काम है, यहाँ पर सबसे पहले कनेक्ट टू गूगल वाला सेक्शन मिलेगा जिसमें क्या होगा कि आपको जो है अपने ऐड मैनेजर का अकाउंट है उस अकाउंट को यहाँ पर लिंक करना पड़ेगा। तो जैसे आप अपनी ईमेल आईडी डालोगे, अगर आपका ऐड मैनेजर का अकाउंट नहीं बना हुआ है तो वो बना देंगे एंड आपको जो है अपनी ईमेल आईडी पर एक मेल आएगा। मेल में आपको जो है जस्ट वहाँ पर क्लिक करके अप्रूव करना पड़ेगा, तब जाकर जो है यहाँ पर आपका सक्सेसफुल अप्रूव्ड होगा एंड वो मेल आने में जो है एक घंटे से लगे मतलब जो है 24 आवर भी लग सकते हैं। तो जैसे ही मेल आएगा फिर जैसे आप अप्रूव करोगे तो आपका जो ऐड मैनेजर का अकाउंट है एंड एक्सचेंज का जो अकाउंट है वो इस इजोइक के साथ कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगी जिसमें आपको जो है ads.txt है उसको जो है यहाँ पर मतलब ऐड करना पड़ेगा। वो कैसे ऐड करना है वो आप लर्न मोर के सेक्शन पर क्लिक कर जान सकते हो। तो आप लर्न मोर पर क्लिक करोगे फिर आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे देगा कैसे कैसे काम करना है। तो इजोइक की जो ads.txt फाइल होगी उसको जस्ट आप अपनी वेबसाइट में जाकर जो है आपको अपलोड कर देना है, तो आपका काम वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये काम जैसे ही हो जाएगा उसके बाद प्लेस होल्डर्स बनाने पड़ेंगे। प्लेस होल्डर बनाने के लिए आप जो है इनका वर्डप्रेस का प्लगइन यूज कर सकते हो या फिर इजोइक का यहाँ पर क्रोम का एक एक्सटेंशन आता है उसके थ्रू भी आप एनालाइज करके जो है देख सकते हो कहाँ कहाँ पर एड्स लगाना है, तो वो सारा काम आप जो है इजिली कर पाओगे। अगर प्लेस होल्डर्स कैसे बनाना है इस पर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना, ताकि क्या होगा कि ये जो प्रोसेस है मैं पहले जो है कंप्लीट कर लूंगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा एंड फिर उस पर जो है मैं एक सेपरेट वीडियो और बना दूंगा। तो उसके बाद ये जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा काफी ईजी प्रोसेस है, YouTube पर ट्यूटोरियल्स भी आपको मिल जाएंगे अगर आप देखोगे तो आप जो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है टर्न ऑन ट्रैफिक। तो ये चीज क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लो कि एकदम से आपकी अर्निंग नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर ये जो है 45 डेज से 60 डेज ले रहे हैं, तो इस टाइम में ये क्या है कि आपकी साइट को एनालाइज करेंगे कैसा ट्रैफिक आ रहा है सब कुछ समझेंगे एंड उसके बाद आपका जो रेवेन्यू है वो देख सकते हो 60-150% तक जो है इंक्रीज हो सकता है। अब यहाँ पर आता है कि ये परसेंटेज वगैरह क्या है, ये चीजें क्या है। तो सबसे पहले ये तीन तरीके की मतलब डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल, यहाँ पर आपकी साइट ओपन होती है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि आपको इजोइक की एड्स कितनी दिखानी है एंड आपको जो है एडसेंस या फिर जो दूसरा आप एड नेटवर्क यूज कर रहे हो उसकी एड्स को कितना दिखाना है। तो यहाँ पर जैसे आप यहाँ से अगर आप 70% शो करोगे तो क्या होगा कि 70% तो जो है इजोइक की एड्स आएगी एंड बाकी जो 30% है उसमें जो है एडसेंस की एड्स आएगी। लेकिन यहाँ पर सिस्टम ये होगा कि जो ज़्यादा CPC देगा उसकी एड्स जो है इजोइक शो करेगा एंड यही इजोइक का मेन मकसद है। मतलब अगर एडसेंस की एड है वो एक क्लिक का भाई $1 दे रही है तो जो 30% में वो एडसेंस की एड शो करेगा, लेकिन अगर इजोइक की एड मतलब जो है एक क्लिक का $1 दे रही तो पहले जो है इजोइक की एड आ जाएगी। तो अगर आपके पास एडसेंस का अप्रूवल नहीं है तो इनको आप 100% कर देना
एंड सेव के बटन पर क्लिक कर देना, तो उससे क्या है कि टोटली इजोइक की एड्स ही आएगी। लेकिन एडसेंस का अप्रूवल है तो फिर आपको एडसेंस की एड्स कितनी शो करानी है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहां से सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये 90 रखते हो तो आप 80 कर सकते हो, 70 कर सकते हो। तो उससे क्या है कि जो ज़्यादा हाई सीपीसी वाली एड्स होगी वो आपकी साइट पर प्लेस की जाएगी। तो इस तरीके से क्या है कि आप अपनी साइट को जो है इजोइक के साथ पूरा सेटअप कर सकते हो। तो टर्न ऑन ट्राफिक करने के बाद आपको इजोइक रिव्यू वाला सेक्शन मिलेगा, जिसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो है 10 डेज का टाइम लगाता है, जिसमें कि आपकी साइट को, आपके पूरे अकाउंट को, जो जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल करी है वो सब कुछ इजोइक चेक करेगा। एंड सब कुछ अगर सिस्टमेटिक रहा तो आपको इजोइक का अप्रूवल मिल जाएगा एंड फिर आप फाइनली इजोइक के साथ जो है अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। हमारा जो अकाउंट है, हमारे जो वेबसाइट है, वो इजोइक के साथ अप्रूव्ड है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो। ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, काफी इजिली अप्रूवल मिल जाता है। मैंने तो कोई ट्यूटोरियल में नहीं था, डायरेक्टली मैंने ट्राई किया एंड मेरे साइट पर उस टाइम पर कुछ ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था। एंड मतलब ये 1.5 साल पहले मैंने इसका अप्रूवल ले लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, आपको इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस का आप फॉलो कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसका आंसर मैं कमेंट में जरूर दूंगा। तो यार यही था वीडियो, होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत एंड बाय।